आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो स्पैम कॉल को लेकर बड़ी खबर देखिए, बिजनेस कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, जल्द आएंगे नए नियम। स्पैम कॉल को रोकने को लेकर जो है सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है, मगर मार्केटिंग कंपनियां हर बार जो है कुछ ना कुछ तोड़ निकाल ही लेती है। अब सरकार जो स्पैम कॉल पर लगाम कसने के लिए जो है नए नियम तैयार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नए गाइडलाइन सख्त होगी, और हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेटर जो है ट्राई, उसने भी जो है सभी कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वे फोन पर कॉलर का नाम दिखाएं। साथ ही सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को भी जो है ऐसे फीचर देने की मांग की थी। वही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो है इस साल के शुरुआत में जो है अवैध मार्केटिंग कॉल पर लगाम लगाने के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने नए गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट पर 10 मई को भी बैठक में चर्चा हुई थी। इस बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सचिव निधि खेरे और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ट्राई के सहयोग जो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ इंडिया के जो BSNL, वोडाफोन, एयरलाइंस और एयरटेल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वही वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ड्राफ्ट गाइडलाइन में कई तरह की शर्तें भी जोड़ी गई, साथ ही इनमें अवैध कॉल और मैसेज की परिभाषा भी जो है तय की गई, वही कमेटी को ऐसी कॉल और मैसेज के रोकथाम पर कई तरह की सिफारिश भी मिली थी। वह ड्राफ्ट तैयार करते समय इनका भी ध्यान रखा गया। अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भी जो है इन गाइडलाइंस को मंजूरी देना है। वही कमेटी ने माना है कि ऐसे कॉल और मैसेज ग्राहकों को परेशान और गुमराह करने वाले होते हैं, इनकी रोकथाम जरूरी है। ट्राई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक इन पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। कमेटी ने बैंक, फाइनेंशियल कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और ट्रेडिंग कंपनियों और डिजिटल कंसेंट विकसित करने, इनको सभी को जो है DCA सिस्टम जो है विकसित करने के लिए कहा। इसके तहत कस्टमर खुद तय कर सकेंगे कि वे कमर्शियल कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं या नहीं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर देखिए, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आपको सारी सुविधा, केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, आधार UPI एक ही प्लेटफॉर्म पर जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल। इन दिनों डिजिटल दौर चल रहा है, सब कुछ जो है एक ही क्लिक में घर बैठे मिल जाता है। इस सुविधा को जो हमेशा अपडेट की भी किया जाता है। अगर आपको भी सरकारी सुविधा का फायदा उठाना है तो अलग अलग पोर्टल पर विजिट करना पड़ता है। तो मसलन आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार का पोर्टल पर, UPI के लिए जुड़े कामों के लिए अलग पोर्टल, लेकिन अब जो है आपको इन सभी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं जो है आपको मिल जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए भी तैयारी जो है वो कर रही है, और एक नया पोर्टल जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में, इसमें सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्टल के बनाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कामकाज जो है उसने शुरू कर दिया है। सभी मंत्रालयों और उनसे संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर जो है इसके बारे में जो है डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर DPI उसका ढांचा भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस नए पोर्टल से डिजिटल सर्विस में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वह सरकार की ओर से जो पोर्टल लॉन्च किया जाएगा उसमें आधार, UPI, सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल, ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC समेत सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। ऐसे में इस नए पोर्टल के बाद लोगों को किसी भी सरकारी काम के लिए अलग अलग ऐप्स या फिर वेबसाइट पर नहीं भटकना पड़ेगा। मोबाइल यहाँ पर मतलब मौजूदा समय में सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अलग अलग पोर्टल ऐप मौजूद है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। कई वेबसाइट्स और ऐप जो है उनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन अब ये परेशानी दूर होने वाली है। दरअसल शहरों और ग्रामीण स्तरों पर आज भी जो है आबादी का एक बड़ा हिस्सा साइबर कैप पर निर्भर है। वह किसी भी तरह के कामकाज के लिए साइबर कैप यहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ कभी कभी मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है, लेकिन अब नए पोर्टल से आम आदमी को ऑनलाइन सुविधा का आसानी से फायदा मिलेगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई को 55% होगा महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल जुलाई 2024 में एक बार फिर से जो है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो दिए जो है वो बढ़ने वाला है। वही केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, पहला जनवरी से लागू हो चुका है, अब दूसरा जो है जुलाई से लागू होगा। वही सरकार ने जनवरी में 4% डीए बढ़ाया है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50% हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार कितना महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई को देखते हुए महंगाई दर को 4-5% तक बढ़ा सकती है। अगर सरकार 5% तक डीए बढ़ाती है तो कर्मचारियों का डीए जो है वो बढ़कर 55% हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल जो है 50% डीए मिल रहा है। वही जनवरी 2024 से लागू है और महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में लागू होनी है। हालांकि इसे मंजूरी मिलने तक सितंबर तक इसको मंजूरी मिल सकती है। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो सरकार सितंबर तक डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन
इसे जुलाई से ही लागू जो है वो किया जाएगा। अभी सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 भत्ते भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। इस पर टोटल 6 भत्ते बढ़ाए गए हैं और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने जो है 2 अप्रैल को ऑफिस मोमेंटम जो जारी किया उसके अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को जारी करने का आदेश दिया है। 2016 के वैल्यूएशन और सिफारिशों के बाद 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले फायदों की जांच में यहां पर जांच की और इसमें रेलवे कर्मचारी और सिविल डिफेंस कर्मचारी और डिफेंस कर्मचारी सब शामिल है। वही सरकार जो है सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली अलाउंस बता देते हैं कौन कौन से है। इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बाल शिक्षा भत्ता और यहाँ पर ड्यूटेशन अलाउंस और टूर के दौरान ट्रेवल अलाउंस, लीव वाला यहाँ पर लीव ट्रेवल इनकेशमेंट और लीव इनकेशमेंट शामिल है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान सरकार यानी बजाना सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की है बजरी खनन ई नीलामी की चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं। हाईकोर्ट ने जो है अगली सुनवाई पर राज्य सरकार के जवाब के बाद नीलामी रोक के आदेश को स्थगित करते हुए रोक हटा दिया है। हाईकोर्ट ने सत्य स्वरूप जोधन द्वारा दायर 3 याचिकाओं को नष्ट करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इनमें टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, राजपुर से जिले की बजरी खानों की नीलामी को लेकर ये जानकारी जो है वो थी, यानी नीलामी को लेकर जो है ये थी। और हाईकोर्ट ने जो है इसको यहाँ पर खनन को खारिज कर जो है यहाँ पर बजरी जगह को लेकर जो है वो ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है। तो बजाना सरकार को जो है फिलहाल राहत जो है यहाँ पर मिली है, बजाना सरकार को बड़ी राहत के रूप में से जो है वो देखा जा रहा है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सोना चांदी के दामों को लेकर बड़ी खबर देखिए। आज सोना चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 75,202 रुपये पहुंचा, चांदी फिर से 84,000 प्रति किलो पार। सोना चांदी कीमतों में जो है मामूली सी जो है बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है IBGF की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 38 रुपये महंगा होकर 75,202 रुपये पर पहुंच गया। वही चांदी की कीमत में जो है आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। किलो चांदी जो है 566 रुपये महंगी होकर ये 84,080 रुपये पैसे यहाँ पर किलोग्राम हो गई। इससे पहले चांदी जो है 83,494 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। वही देश के 4 महानगरों में जो है यहाँ पर सोने की कीमत बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में 10 ग्राम सोना जो है वो 24 कैरेट सोना की बात करें तो 72,700 यहाँ पर 970 रुपये है और 22 कैरेट सोने की कीमत जो है 67,900 के आसपास है। वही मुंबई की बात करें तो 10 ग्राम सोना जो है 22 कैरेट का उसकी कीमत 67,750 और 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोने का जो है 72,820 रुपये भाव चल रहा है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 67,750 और 10 ग्राम यहाँ पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,820 रुपये है। वही IBGA जो वेबसाइट जो है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस साल अब तक सोना के दाम जो है 8,850 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी से सोना जो है 1 जनवरी को ये 63,000 रुपये के आसपास था जो बेहतर के आसपास आ गया है। वह प्रति बेहतर 1,202 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। वही 1 किलो चांदी के दाम भी 73,353 रुपये से बढ़कर 84,080 रुपये पर ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो बढ़ोतरी जो है लगातार देखी जा रही है। वही मार्केट एक्सपर्ट्स जो आए हैं उनके अनुसार जुलाई में फिर से शादियाँ शुरू हो जाएगी। इसे सोने की डिमांड में फिर से तेजी आएगी। आने वाले दिनों में सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस साल के आखिर तक सोना 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वही चांदी भी 85,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। तो ये कुछ जानकारी सामने आ रही है कि सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि रोजाना आपको इसी तरह की खबरें चैनल पर मिला करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो है रोजाना आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं।